घर का कूड़ा करकट डेली का नियम है, डेली निकलता ही निकलता है, लेकिन कूड़ा करकट भी आपकी बरकत कई गुना बढ़ा सकता है। कैसे? आज वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक छोटा सा टोटका करके देखिए, टोटकों में बहुत शक्ति होती है। टोटके हमारे प्राचीन धरोहर हैं, बहुत से प्राचीन हमारे पूर्वज इन टोटकों को करते आए हैं और सुखद जीवन व्यतीत करते आए हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, इसी ब्लेसिंग्स को देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु कर रही हूँ। इनसे संबंधित सलाह लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत 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 काम का है और इसको मिस करेंगे तो पछताएंगे, यकीनन पछताएंगे। तो वीडियो पूरा देखना और प्रोसीजर जानना। प्रोसीजर छोटा सा ही है। जब भी कचरे वाली गाड़ी आती है या कहीं भी आप कचरा डिस्पोज करते हैं, तो कचरा डिस्पोज करते समय बस आपको इन 3 लोगों का इमेजिनेशन करना है। ये 3 लोग आपकी बरकत से चिढ़ते हैं, तरक्की से चिढ़ते हैं और आपको पनपता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोग होना चाहिए। आपके रिश्तेदारों में ऐसा लोग है, उसका इमेजिनेशन करिए। अगर नाम जानते हैं तो बेहतर बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। नाम नहीं भी जानते हैं, शक्ल तो जानते ही होंगे, उसकी शक्ल विजुलाइज करिए और कचरा फेंक दीजिए जहाँ भी आप फेंकते हैं। कचरा अपवित्र वस्तु होता है और अपवित्र वस्तु को हम टच करते हैं तो शनि के दोष हमारे जीवन में दूर हो जाते हैं और हमको शनि मनी देखने लगते हैं। मनी यानी पावर आज के ज़माने की, और कलयुग का बादशाह है राहु। तो राहु भी सड़ी गली चीज़ों का कारक माना गया है, सड़ांग मारती हुई चीज़ों का कारक माना गया है। तो आपको सड़ांग मारती हुई चीज़ें डिस्पोज ऑफ करनी है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। आप बीड़ी भी किसी को दान कर सकते हैं। बीड़ी दान करते समय शत्रु की इमेजिनेशन करें और मंत्र पढ़ें, शत्रु सर्वनाश का। हम एक अनेक मंत्र आपको बता चुके हैं, तो उन मंत्रों का चयन आपने कर ही लिया होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी भी ऐसे मंत्र का चयन करें जो शत्रु से आपको निजात दिलाने में सक्षम है। लेकिन किसी भी मंत्र का जाप कचरे को हाथ में ना लेकर ना ही करें, इससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। कचरा हमेशा काली थैली में ही फेंकें, इससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हैं। काला रंग शनि का होता है, काला रंग दुर्भाग्य को भी इंडिकेट करता है। कलर थेरेपी में काला रंग बहुत अच्छा माना गया है, काले रंग के अनेक वीडियो हम बना चुके हैं। तो काला रंग शुभ होते हुए भी फलदायी नहीं होता है कई लोगों को, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन काला रंग स्केच पेन का कलर थेरेपी में आप यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। बीपी नॉर्मल होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कलर लगा देते हैं काला रंग, तो आपका बीपी नॉर्मल होने लगता है। किसी भी चीज़ को अपने घर में सड़ा दीजिए, इतनी सड़ा दीजिए कि बदबू आने लगे, फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए भयंकर से भयंकर शत्रु से निजात मिलेगा। अगर आप उस शत्रु का नाम ले लेंगे, जिस तरह से शत्रु ने आपकी ज़िंदगी को नरक बना रखा है, बदबूदार बना रखा है, वो ज़िंदगी उसकी खुद की हो जाएगी इस प्रयोग से। ऐसा अद्भुत टोटका है, ये करके देखिए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार की अनिवार्यता नहीं है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जिस दिन आपका चंद्रमा खराब हो, उस दिन काम आपको बेहतर रिजल्ट देता है। जिस दिन आपका चंद्रमा 4th, 8th, या 12th है, या 8th चंद्रमा है, उस दिन आप ये काम करिए और पूरे जोर शोर से मन ही मन शत्रु को गाली दीजिए और शत्रु का सर्वनाश होने की विनती करिए और शत्रु का सर्वनाश होने की इमेजिनेशन करिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। शत्रु को कोसिए, हम आपको बता चुके हैं अनेक वीडियो में शत्रु को किस टाइम कोसना चाहिए, तो वो वीडियो आप देख ही चुके होंगे। शत्रु को कोसना चाहिए क्योंकि शत्रु की पावर ख़त्म होती है कोसने से। लेकिन कभी भी स्पिरिचुअल शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं कोसना चाहिए। लेकिन हाँ, उसने आपका बुरा किया है या उसने आपका कभी भला नहीं किया है, तो आपकी बद्दुआ निश्चित रूप से उसको लगेगी। उसने आपका मन दुखाया है, आपकी बद्दुआ निश्चित रूप से आपको लगेगी और उसका सर्वनाश होना तय हो जाएगा। क्योंकि कलंकित रिश्ते बदबूदार चीज़ों की तरह ही तो है, सड़ांग मारते हैं जीवन भर। इन चीज़ों से मुक्ति तो नहीं पा सकते हैं, झेलना पड़ता है ऐसे रिश्तों को, लेकिन क्या करें। लेकिन मन ही मन टीस निकलती है, आह निकलती है और मन ही मन बद्दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए, जो आप ही के घर में आके आपको सताते हैं और आपकी जी का जंजाल बन जाते हैं और रुकने का नाम ऐसा लेते हैं कि टिक जाते हैं
और भागने का नाम नहीं लेते, तो इन उपायों से वो आपका पीछा छोड़ देंगे और सर्वनाश को प्राप्त होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी, आपको ऐसी ही जानकारी देते हैं जो आपके दुर्भाग्य को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।